छत्तीसगढ़ की पुलिस एंकर रोहित रंजन को नहीं पकड़ पाई। गिरफ्तार करने के लिए पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम के सामने ही चकमा देकर नोएडा पुलिस रोहित रंजन को अपने साथ ले गई। उसे गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत दे दी गई। इसके बाद रोहित कहाँ है इसका कुछ भी पता नहीं। दूसरी ओर रायपुर पुलिस ने रोहित को फरार घोषित कर दिया है। इस दौरान रायपुर पुलिस न्यूज़ चैनल के दफ्तर पहुंची और वहां रोहित के थाने हाजिर होने का नोटिस चिपका दिया। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस के DSP उदयन बिहार ने बताया कि इसमें जो रायपुर की पुलिस ने जानकारी मांगी कि विवादित शो का क्लिप कहां से हासिल की गई और किसने कंटेंट तैयार किया, मगर इस नोटिस को लेने से न्यूज़ चैनल वालों ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में रायपुर की पुलिस ने चैनल दफ्तर के बाहर इस नोटिस को चिपका दिया कि रोहित रंजन फरार है। ऐसे में अब रोहित रंजन को 7 दिन के भीतर रायपुर के सिविल लाइन थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को रायपुर पुलिस के 15 जवानों और अफसरों की टीम गाजियाबाद पहुंची थी। रोहित रंजन के घर में दाखिल होने के बाद अचानक स्थानीय पुलिस ने दखल दे दिया और रोहित रंजन को नोएडा पुलिस पकड़कर ले गई। रोहित रंजन रायपुर की पुलिस के हाथ नहीं आए। आपको बता दें कि रायपुर के सिविल लाइन थाने में न्यूज़ एंकर रोहित रंजन के खिलाफ राहुल गांधी से जुड़ी फेक न्यूज़ प्रसारित करने का केस दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।